नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप हरिद्वार, वैष्णो देवी या किसी और तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आपने एक बात नोट की होगी। वो बात है वहाँ बजने वाले भक्ति संगीत। आपको वही पुराने 90s के ही भक्ति संगीत सुनाई देंगे, जिनमें से 70% गानों में गुलशन कुमार जी ही नज़र आएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के पतन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। गुलशन कुमार वो एक अकेला योद्धा था जिसने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान भी नौछावर कर दी। पर अफसोस की बात यह है कि गुलशन जी के जाने के बाद बॉलीवुड पर इस्लामिक माफिया का कब्जा हो गया, जो आज भी कायम है। दोस्तों, ये कहानी है एक सच्चे भक्त की, जो अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने भी नहीं झुका और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में लगा रहा। यह कहानी है 90s की। सन 1993 तक गुलशन कुमार मामूली जूस वाले से भारतीय कैसेट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन चुके थे। HMV को पीछे छोड़कर उस साल टी सीरीज ने 400 करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया। यही कारण था कि गुलशन कुमार बॉलीवुड को जंग लगाने वाले इस्लामिक माफिया की नज़रों में आ गए थे। उस समय इस माफिया को दाऊद इब्राहिम चलाता था। इस्लामिक माफिया बॉलीवुड से बुरी तरह से इसलिए चिपका हुआ था क्योंकि बॉलीवुड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे 100 करोड़ की जनता को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड फिल्मों में जैसे वास्तव सिंघम में गुंडों को ही बड़ा तिलक करते हुए दिखाया जाता है। आपने फिल्मों में ये भी देखा होगा कि पंडितों और ठाकुरों को धन का लोभी और अत्याचारी दिखाया जाता है। इसके अलावा मुसलमानों को भारतीय लोगों द्वारा सताया गया सबसे बड़ा देशभक्त दिखाया जाता है, जैसे चक दे और माय नेम इज़ खान में दिखाया गया। फिल्म मैं हूं ना में इंडियन आर्मी द्वारा बेकसूर मुसलमानों को मारते हुए दिखाया गया। टाइगर जिंदा हूं में ISI के चेहरे को सुंदर दिखाया गया। दुर्गा को सेक्सी दिखाया गया और राधा को डांस फ्लोर पर भी नचवाया गया। और PK में आमिर खान ने क्या किया वो आपसे छुपा नहीं होगा। हद हो गई इन लोगों की, हिंदू धर्म को नीचा गिराने की कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। 12 अगस्त 1997, रोज की तरह गुलशन कुमार जी की गाड़ी जितेश्वर महादेव मंदिर के सामने रुकी। गुलशन कुमार जैसे ही नीचे उतरे उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया और बॉलीवुड में हिंदू धर्म का स्वर्णिम अध्याय खत्म हो गया। आज भी वैष्णो देवी में गुलशन कुमार जी का 24 घंटों का लंगर चलता है, पर बॉलीवुड में हिंदू धर्म अब खत्म हो चुका है। जहां 90s में हिंदू धर्म पर आधारित 1000 से ज़्यादा फिल्में बनाई गई, वहीं सन 2000 के बाद 100 फिल्में भी नहीं बनी। यहाँ तक कि गुलशन कुमार जी के बाद टी सीरीज़ ने भी इसमें दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाना अब आपके हाथों में है। आप तय कीजिए कि आपको क्या देखना है। बहुत कम लोगों को पता है कि गुलशन कुमार को जब दुबई से फिरौतियों की कॉल आती थी तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन को भी यही कहते थे कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा मैं ये पैसे वैष्णो देवी में दे दूंगा। और असल में गुलशन कुमार जी यही करते थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।